इंटेक के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष आज जिला कांग्रेस कार्यालय चतरा पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्षोल्लास देखा गया। दोनों नव मनोनीत पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन भी हमें सौंपा है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, मजदूरों के हक के लिए आगे बढ़कर उनकी आवाज़ हम सब बनेंगे। जो जिला का जो मुझे मिला है इस पर मैं खरा उतरूंगा और मजदूरों के जो समस्या है उसको मैं समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। खासकर कुलवरी या एनटीपीसी जो चतरा जिले में जो उद्योग चल रहे हैं वहाँ के मजदूरों का मैं आवाज़ बनूँगा। नेतृत्व का अभाव पूरा प्रदेश झेल रहा है, यही कारण है कि यहाँ के नौजवान रोजगार पाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद स्थिति में बदलाव आया है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। आज झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ के नौजवानों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण को रोकने के लिए हम जैसे युवाओं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्णानंद त्रिपाठी ने अनुशंसा किया। उनके अनुशंसा पर राष्ट्रीय मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामेश्वर सिंह फौजी जी ने मुझे अपने साथ कार्य करने का मौका दिया। मैं आप सबों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं समस्त झारखंड वासियों जिनमें झारखंड में निवास करने वाले श्रमिक भाइयों उनके परिवार के हित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर।